किचन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन चाइनीज एग रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया हम आपको दिखाते हैं। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल रख के इसको हीट कर लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको हमने हल्का सा बॉईल किया है, और हम इस तेल में डाल देंगे इसे। अच्छे से तेल में मिक्स करके भून लेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल। हम आपको दिखाते हैं आगे। चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कर देंगे चॉप किया हुआ बारीक लहसुन। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई सब्जी कैबेज। गाजर सब्जी आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद की कोई भी चाइनीज सब्जी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में हमने एक शिमला मिर्ची, एक गाजर और आधा मीडियम साइज का कैबेज लिया था, उसमें से हमने उसका आधा हिस्सा यहाँ पे यूज किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। 1.5 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ सॉटे करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ऑरेगानो, और हाई फ्लेम पे हम सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। सारी चीजों को हमने हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। चलिए अब शीट की तैयारी कर लेते हैं। शीट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 अंडा। अब हम इसे एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे और इसे एक विस्क की हेल्प से हम फेंट लेंगे अच्छे से। को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। फाइव टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून नमक,
हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते डालते इसे फेंट लेंगे। हमारी शीट की स्लरी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने ये देखिए, ये 500 ml का हमारा ग्लास था, इसे हमने पूरा 500 ml दूध यूज किया है। इसमें शीट में आप कि अगर आप कम बना रहे हैं तो आप इसका आधा चीज यूज करके आप इसकी स्लरी बना के शीट बना सकते हैं एक रोल की। ये देखिए स्लरी को हमने इस तरह से बनाई है, ना ही ये पतली है और ना ही ठीक है ज्यादा। यहाँ हमने फ्लेम को ऑन करके इस पे एक पैन को रख के हीट कर लिया है। अब हम इस पैन को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ हम इसके तेल से ग्रीस कर लेंगे इसको। अब हम इसमें एक इस तरह के चम्मच से बीचों बीच में इस तरह से स्लरी को डाल के और चार तरफ से इस तरीके से हम घुमा देंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो कर दिया है। इस तरीके से हम दबाते दबाते इसे सेक लेंगे। आप चाहे तो इस डिश को रमजान में भी इफ्तार के वक्त यूज कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में, शाम के नाश्ते में, आप जैसे भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है, आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। सारी शीट को हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए हमारी शीट रेडी हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी शीट्स को रेडी कर लेंगे। सारी शीट्स हमने बना के रेडी कर ली है। उतनी ही स्लरी में हमने ये देखिए 15 शीट्स तैयार कर ली है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे हमने मैदे का एक पेस्ट बना लिया है। मैं सूखा मैदा लेके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने एक शीट रख ली है, अब हम स्टफिंग को फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टफिंग को शीट पे रख दी है, अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से उठा के इसके ऊपर रख देंगे और स्टफिंग को थोड़ा सा अंदर दबाते हुए, ये देखिए ये इस साइड का ऐसे और इस साइड का ऐसे। ये ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे मैदे का पेस्ट लगा देंगे। इसे वापिस से रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे रोल को बना के इस तरीके से रख लेंगे। सारे रोल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे कोटिंग कर लेंगे। अब हम इसे सबसे पहले मैदे में कोटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब अंडे में डालेंगे।
ये देखिए हमने अंडे की भी कोटिंग चढ़ा दी है। अब हम इसे ब्रेड क्रम में डालेंगे। सूखे हाथ से ब्रेड क्रम इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि हमारा बाकी का ब्रेड क्रम खराब ना हो। अब इसको पलट लेंगे इस तरीके से, ऊपर नीचे हर साइड में लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे रोल को कोटिंग कर लेना है। सारे रोल को हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है। चलिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल अच्छे से हीट कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके रोल को डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे एकदम लो कर दिया है क्योंकि सारी चीजें पकी हुई है और ऊपर से हमने जो ब्रेड क्रम की कोटिंग की है तो हाई फ्लेम पे वो जल सकती है, इसके लिए हमने एकदम फ्लेम को लो कर दिया है। हमें इसको सुनहरे कलर का फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। ये देखिए कितने अच्छे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के सुनहरे सुनहरे रोल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन चाइनीज रोल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको। अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारी एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।